न्यूक्लियस, यहां नोट करेंगे न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल करेंगे न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम. एट द सेंटर of an atom, at the center of an atom. उसके बाद क्या था कि रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा ना, तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का. जैसे हमने ये कहा कि सबसे पहले जो थॉमसन था, थॉमसन ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, तो थॉमसन ने केवल दो रूल्स बताए थे. पहला रूल ये था कि जो एटम है, एटम इज अ sphere, atom is a sphere and it is a sphere in which all the positive charges uniformly distributed and the negative charge called electrons are embedded in it. So Thomson ने तो ये अपना model दिया था. Thomson ने atom के बारे में ये explain करा था. अब Rutherford ने जो experiment करा वो gold foil वाला, उस gold foil वाले में किसी में deflection हो ही नहीं रहा था alpha particles का, किसी में deflection बहुत ज्यादा था, किसी में deflection कम था, और किसी में exactly वो bounce back करके वापस जा रहा था. तो रदरफोर्ड ने अपने उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर अपना एक मॉडल ऑफ एटम नया लॉन्च किया. मतलब उसने ये बताया कि एटम क्या होता है, तो एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो रदरफोर्ड ने बताई. तो आप नोट करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स जिसने पांच पॉइंट्स दिए थे. Rutherford's model of atom पहला इसमें पांच पॉइंट्स बताए. पहला पॉइंट है एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज An atom consists of a positively charged, comma, dense and very small nucleus. Very small nucleus containing all the protons and neutrons. Containing all the protons and neutrons. All the protons and neutrons. Full stop. Almost the entire mass of an atom almost the
entire mass of an atom, almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. ये फर्स्ट पॉइंट था, उसके बाद में देखिएगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स The nucleus is surrounded by negatively charged electrons. Electrons revolve around the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular paths called orbits. The nucleus is surrounded by negatively charged electrons. Full stop. The electrons revolve around the nucleus in circular paths called orbits. ये second point दिया है इसने रदरफोर्ड ने। उसके बाद third point है। The electrostatic attraction between between the positively charged nucleus, between the positively charged nucleus and negatively charged electrons and negatively and negatively charged electrons holds the atom together. Fourth point, an atom is electrically neutral. Full stop. This is because the number of protons and electrons in an atom
because the number of protons and electrons in an atom is equal. In an atom is equal. Full stop. The fifth point is most of the atom is empty space. Most of the atom is empty space. नोट करिए जी सभी बच्चे. तो उन्होंने बोला ब्रदरहुड ने सबसे पहले एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. ब्रदरहुड ने बोला कि जो एटम होता है ना एटम में एटम का जो सेंटर है एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस मतलब बहुत घना और एक बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा न्यूट्रल चार्ज वो सारा का सारा उसके अंदर बिल्ड अप होता है. जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्रोटॉन्स बोल देते हैं और न्यूट्रल चार्ज को न्यूट्रॉन्स बोलते हैं. तो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर फिलअप होते हैं. पहली चीज तो ये बोली ठीक है. दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस चारों तरफ से घिरा हुआ होता है किससे इलेक्ट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और उसके चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स. ठीक है सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है दोबारा से समझिएगा. पहला पॉइंट उसने बताया कि एटम जो है एटम के सेंटर में एक बहुत छोटा एक बहुत डेंस न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव और सारा का सारा न्यूट्रल चार्ज यानी कि सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स उसके अंदर फिलअप होते हैं. ऑलमोस्ट All the mass of the atom is concentrated in the nucleus. सारा का सारा mass nucleus के अंदर ही होता है. दूसरा point उन्होंने बताया कि जो nucleus है, nucleus चारों तरफ से electrons से घिरा हुआ होता है और electrons जो हैं, वो circular path में उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं. और उन circular paths को हम बोल देते हैं orbits. तीसरा है electrostatic attraction. मतलब जो attraction होता है ना positive charge और negative charge के बीच में, उसको बोल देते हैं electrostatic attraction. The electrostatic attraction between positively charged nucleus and negatively charged electrons holds the atom together. आप ये देखिए कि सेंटर में तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है. वो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं यानी कि वो मोशन में है तो वो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं ना. लेकिन वो रुके हुए क्यों है एटम के साथ क्यों रुके हुए हैं. वो रुके हुए ही इस वजह से है क्योंकि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस ने उसको रोक रखा है अपनी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज अंदर या तो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स भरे गए या न्यूट्रॉन्स हैं. तो न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज ही नहीं है तो जो प्रोटॉन्स है प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव. तो वो जो पॉजिटिव है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है इस वजह से वो वही सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहे. ठीक है और यही कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th में 12th में. यही कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब क्या है न्यूक्लियस का फट जाना. एक्सप्लोड मतलब किसी भी चीज का एक्सप्लोड करना मतलब फट जाना. तो न्यूक्लियस जब फट जाता है तो फिर पॉजिटिव चार्ज है वो भी इधर उधर भाग जाता है. तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही फास्ट मूविंग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर पूरे एटमोसफियर में घूमने का मौका मिल जाता है अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है. तो क्या होता है एटम बॉम्ब का कॉन्सेप्ट ही ये है. ये एटम जो है एटम में न्यूक्लियस में एक्सप्लोजन कर दिया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस को जो एक्सप्लोड करना वो बड़ा आसान नहीं है.
न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे रहते हैं जो न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करते हैं और न्यूक्लियस को एक्सप्लोड होने में मदद करते हैं। तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स बह जाते हैं ना पूरे एटमोसफियर में, तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है भाई, सवाल तो ये उठता है ना कि एटम बॉम्ब अगर फट गया तो लोग मरेंगे कैसे? लोग इस वजह से मर जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है पूरे के पूरे सिटी का या पूरे के पूरे कंट्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि लोग गर्मी से ही मर जाते हैं। गर्मी वो इंस्टेंट गर्मी होती है कि एकदम से आप समझिए कि पूरा एटमोसफियर का टेम्परेचर एकदम से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम इंसान क्या होगा, हमारा पानी की तरह बह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, खड़े खड़े पिघल जाएंगे, इतनी गर्मी हो जाती है। हमारी तो बॉडी का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, इतना टेम्परेचर है। तो आप ये सोचो अगर एटमोसफियर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो भी जान निकलने लगती है गर्मी में, इतनी बुरी हालत हो जाती है। और अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो तो वो अचानक से 100 डिग्री या 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर कोई उस टाइम कोल माइन में या बेसमेंट में हो तो थोड़ा बहुत जान बचने के चांसेस हैं, वरना जान नहीं बचती, सब मर ही जाते हैं। ऐसा ही जापान में हुआ था, पता होगा, हिरोशिमा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। फोर्थ पॉइंट है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल। किसी भी एटम में अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो वो एटम बेचैन हो जाएगा, उसको फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक, किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर वो बेचैन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको प्रोटॉन चाहिए होंगे। मैं ये कहता हूँ ये टेबल, ये चेयर, ये सबके सब, इन सबके सब चीजों के अंदर एटम से ही तो बनी हुई है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम कहीं भी ऐसा नहीं होगा। अगर सोचो कि इस चेयर में या इस टेबल में सोचो कि प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम रह जाए तो पूरी की पूरी चेयर के जितने भी एटम है सब में प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो जो चेयर है चेयर ही दौड़ने लगेगी इधर उधर, क्यों? क्योंकि चेयर जो है चेयर को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, ठीक है ना, चेयर को कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इसीलिए हमेशा किसी भी चीज को न्यूट्रल करने के लिए उसको जो चीज चाहिए उसको दे दो, अभी तो वो न्यूट्रल रहेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा रिएक्शन जो है रिएक्शन हमेशा कैटायंस करते हैं और एनायंस करते हैं। कैटायंस क्या हो गए? जिनके पास प्रोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है, और एनायंस क्या हो गए? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। तो सीधी सीधी बात यह है कि रिएक्शन होता ही तब है व्हेन देयर इज एन इंबैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम शांत होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इक्वल होता है। ठीक, ये चौथा पॉइंट रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले बताया था। पांचवा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ज्यादातर जो एटम है वो खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। ये भी एक्सपेरिमेंट से पता चला था, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे, स्ट्रेट लाइन बन गई थी, याद है ना, लास्ट क्लास में यही करवाया था कि ज्यादातर जो लाइन थी वो स्ट्रेट चली गई थी, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था उसमें। और जिनमें डिफ्लेक्शन हुआ वो कौन सी लाइन थी? जो सेंटर से गुजर रही थी, तो हमने बोला कि सेंटर में ही न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये पांच पॉइंट्स हैं रदरफोर्ड के, बताइए जी क्लियर है? इंदर, दिव्यांशी, ऐसा क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि ड्रॉबैक जो है रदरफोर्ड की जो थ्योरी है, रदरफोर्ड की थ्योरी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होगा। हाँ जी बिल्कुल है, तो नोट करें, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, तो ड्रॉबैक पहला लिखेंगे। अ मेजर ड्रॉबैक या डिफेक्ट मतलब कमी, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल major drawback of Rutherford's model is that it does not explain
is that is does not explain the stability of the atom, does not explain the stability does not explain the stability of the atom. ये इसका ड्रॉबैक था। सीधी सीधी बात ये है कि उसने ये बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर वो वाटर बन जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हम ये कहते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं, हम स्कूटर चलाते हैं, तो जो हम यूज करते हैं ना फ्यूल, वो फ्यूल क्या है? वो गैसोलीन है, वो गैसोलीन है। हम जिसको पेट्रोल बोलते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए वो उसको गैसोलीन बोलते हैं। तो गैसोलीन का सिनोनिम ही है पेट्रोल। अब जो हम यूज कर रहे हैं गैसोलीन, वो कहाँ से बना है, वो किससे बना है? हम ये कहते हैं कि ओवर मिलियंस एंड ईयर्स एगो जो कभी प्लांट्स और एनिमल्स हुआ करते थे वो डिगे हो गए मतलब खत्म हो गए, मर गए। उनके ऊपर सॉइल की एक लेयर जमा हुई, दूसरी लेयर जमा हुई, तीसरी लेयर जमा हुई, लेयर पर लेयर जमती चली गई, वो दबते चले गए। तो ओवर मिलियंस एंड मिलियंस एंड ईयर्स एगो व्हेन दे गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड, तो उसकी वजह से जब वो नीचे चले गए तो नीचे जाने पर उनके साथ में वो फोटोन और डिके होते गए, फिर वो कन्वर्ट हो गए इसमें, एक गैस में कन्वर्ट हो गए, और फिर कुछ पोर्शन गैस में कन्वर्ट हुआ तो कुछ पोर्शन लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। उस लिक्विड को प्योरीफाई करके देखा गया तो हमने ये देखा कि वो अगर उसको बर्न कर दिया जाए तो एकदम से इंस्टेंटली वो आग पकड़ता है। तो पेट्रोल का भी यही कॉन्सेप्ट है, डीजल का भी यही कॉन्सेप्ट है, केरोसिन का भी यही कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज जो एकदम से जल जाए, जो एकदम से जल जाए, तो हम ये बोलेंगे कि इट कैन सर्व लाइक अ गुड फ्यूल, ठीक है। तो इसीलिए, और जो पेट्रोल है वो किसकी वजह से बना है? वो डेड प्लांट्स की वजह से बना है, डेड एनिमल्स की वजह से बना है, ठीक। बहुत टाइम लगा तब जाकर वो बना। और डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स ये किससे बने? कार्बन से। तो हम ये कहते हैं, और ये फैक्ट है कि 97% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ऑफ कार्बन ओनली। 97% जो है वो सब कार्बन ही कार्बन है दुनिया में। तो जो कार्बन है, कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तब बर्निंग होती है, और तभी तो जो व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स क्या एमिट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप ये कह रहे हो कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि वो चुपचाप बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, वो शांत बैठा हुआ है तो फिर वो रिएक्शन कैसे करेगा? रिएक्शन कौन करेगा? जो रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव कौन होगा? जिसको कुछ ना कुछ चाहिए। अब ये कहेंगे कि कार्बन है, हो सकता है कार्बन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो, हो सकता है कुछ प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो। ये चक्कर क्या है? वो जो चक्कर था वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम का, ठीक है। और इस चीज को, इस कमी को पकड़ा किसने? एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था नील बोहर। उसने पकड़ा और फिर उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि स्टेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। उसने तो स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बोला ही, उसने तो कह दिया भाई हमेशा स्टेबल है। उसने तो कह दिया हमेशा स्टेबल है। भाई अगर हमेशा स्टेबल है तो फिर रिएक्शन कैसे हो रहा है? बॉडी के अंदर भी रिएक्शन कैसे हो रहा है? मैं पानी पी रहा हूँ तो मेरा जो ग्लूकोज है, मेरी बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है, अच्छा बॉडी में एनर्जी किस चीज से मिलती है? फूड से, है ना। और फूड जो है वो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बनती ही ग्लूकोज की फॉर्म में, मतलब बॉडी में ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज से ही हमारे हाथ पैर दिमाग वगैरह सब चलता है, समझ गए। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जब भी कभी एनर्जी डाउन लगती है, जब भी कभी ऐसा लगता है कि थकान फील हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो पानी के साथ ग्लूकोज बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो आधा घंटा, पौना घंटा या एक घंटे बाद हमको प्यास लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तब सफिशियंट ग्लूकोज बन जाता है बॉडी के अंदर, और तब उसको पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये देखा जो साइंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा ग्लूकोज को अगर पानी में मिलाकर हम डायरेक्टली बॉडी के अंदर डालें तो इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है, होता है ना, गर्मियों में ऐड भी होता है, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। तो वो चीज है, हम ये कहते हैं कि हर चीज का किसी ना किसी के साथ रिएक्शन होता है, वो चीज रदरफोर्ड ने बताई ही नहीं, चलिए या उन्हें पता नहीं कि जो भी है, वो चीज फिर नील बोर्ड ने एक्सप्लेन करी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे,
नील बोहर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. Neil Bohr explained the stability of atom. कैसे explain कर देखिए. According to Neil Bohr, first contact, the electrons could revolve around the nucleus. Electrons could revolve around the nucleus. In only certain orbits. The electrons could revolve around the nucleus in only certain orbits. Or certain energy level. ये बताऊंगा इनको ऑर्बिट में एनर्जी लेवल क्यों कहा जाता है. और सर्टेन एनर्जी लेवल ब्रैकेट क्लोज ईच ऑर्बिट हैविंग अ डिफरेंट रेडियस. Each orbit having a different radius. Next point. When an electron is revolving in a particular orbit, or particular energy level around the nucleus, or particular energy level around the nucleus. The electron does not radiate energy. Even though it has accelerated motion,
इवन दो इट हैज एक्सेलरेटेड मोशन, इवन दो इट हैज एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस. अराउंड द न्यूक्लियस, तो सबसे पहले देखिएगा तो नी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल और सर्टेन एनर्जी लेवल. ईच ऑर्बिट हैव ईच ऑर्बिट हैविंग अ डिफरेंट रेडियस. तो उसने ये बोला कि जैसे रदरफोर्ड ने बताया था ना, तो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है. लेकिन नील बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सर्टेन ऑर्बिट्स में घूम पाएंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में. और जब भी हम ये कहते हैं कि किसी भी तरीके का रिएक्शन हो रहा है, तब क्या होता है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तब रिएक्शन होगा. नहीं तो आइडियल केस में जहां उन्होंने बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जहां पर ये बोला जाता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या स्टेबल है, तो वहां पर ये कहा जाएगा कि वो कौन सा केस होगा, जब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा होगा. मान लीजिए कोई दो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आगे अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कि पहला जो ऑर्बिट होता है उसमें केवल दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है. दूसरा है, दूसरे में हमेशा आठ ही होंगे, आठ से ज्यादा नहीं हो सकते. तो जब भी कभी किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक, तो तभी एटम जो है वो स्टेबिलिटी अपनी लूज करता है, नहीं तो वो स्टेबल रहता है. तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये समझाया है स्टेबिलिटी को लेकर नील बोर ने, जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया, बस ये कह दिया था कि वो न्यूट्रल होता है. तो द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं उन्हीं में वो घूमेगा. और फिर ब्रैकेट में सर्टेन एनर्जी लेवल क्यों लिखा, क्योंकि हर ऑर्बिट का अलग एनर्जी लेवल होता है. कैसे, आप ये कहेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है उनका एनर्जी लेवल थोड़ा कम होगा. क्यों, तभी तो प्रोटॉन्स ने जो बीच में न्यूक्लियस है तभी तो उस न्यूक्लियस ने इतना जबरदस्ती मतलब उसको अपनी तरफ खींच लिया, इतना ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया, तभी तो वो सबसे नजदीक वाले ऑर्बिट में है. तो हर एक ऑर्बिट का अपना एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है. तो जो सबसे नजदीक वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कम है, लेकिन न्यूक्लियस का तो फिक्स रहेगा कि न्यूक्लियस का तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, क्योंकि वो तो एक ही जगह फिक्स है. तो हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग है. अब दूसरा, when an electron is revolving in a particular orbit or particular energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy. Radiate का मतलब क्या होता है, वो energy छोड़ता नहीं है. Radiation का मतलब क्या होता है, energy को radiate करना, चारों दिशाओं में energy को radiate करना, ठीक है. For example, अगर हम इस bulb की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये bulb क्या कर रहा है, ये light energy radiate कर रहा है, चारों तरफ light energy छोड़ रहा है. तो इसका मतलब radiation का मतलब होता है to lose energy. वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है लेकिन हमको एनर्जी दे रहा है लाइट एनर्जी, तभी हम लोग देख पा रहे हैं, दूसरे को पढ़ाई कर पा रहे हैं. तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, एक ऑर्बिट को ही एनर्जी लेवल बोलते हैं क्योंकि हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग होता है, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी. जब तक वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. जब एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल है, शांति से बैठा हुआ है चुपचाप. Even though it has accelerated motion around the nucleus. Accelerated motion का मतलब क्या है? कि चाहे उसकी velocity लगातार बढ़ती जाए या कम होती जाए, तो उसकी velocity से कोई लेना देना नहीं है एनर्जी का. तो उसने ये बताया कि जब तक वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा, तो कितना भी तेज क्यों ना घूमे, कितना भी ज्यादा एक्सेलरेशन क्यों ना हो जाए, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा, मतलब स्टेबल रहेगा, ठीक है. तो उसने ये बोला कि क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इस वजह से वो स्टेबल है, और ये कहकर समझा दिया, बस खत्म. यहाँ इन्होंने इसको ढंग से समझाया. पहली चीज ये कि हर एक एनर्जी लेवल या हर एक ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है और इलेक्ट्रॉन उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं. दूसरी चीज ये बताई कि इलेक्ट्रॉन कितना भी फास्ट क्यों ना घूम ले, जब तक एज लॉन्ग एज वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, इट डज नॉट रेडिएट.
यानी कि वो एनर्जी अपनी लूज नहीं करता, और जब तक एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तब तक किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल पूछ लिया, तो रदरफोर्ड के मॉडल में वो पांचों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से, वो लिखेंगे, डायग्राम कोई नहीं है उसमें, ठीक। जैसे नीबोर ने स्टेबिलिटी को किस तरह से एक्सप्लेन करा था, तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इतना मिनिमम जरूर लिख कर आएंगे, ठीक क्लियर है। उसके बाद बोहर ने फिर एक मॉडल ऑफ एटम दे दिया। जब बोहर ने क्या करा, जब रदरफोर्ड ने उसके मॉडल को, थॉमसन के मॉडल को गलत साबित किया, तो फिर गलत साबित करा तो भैया ये तो बताओ कि सही क्या है। तो इसका मतलब थॉमसन का मॉडल उसने गलत साबित करा था, तो फिर उसने कहा कि नहीं जी ये गलत है, ये मेरा वाला सही है, ये ठीक है। अब नील बोहर आया, तो नील बोहर ने कहा कि ये तो ढंग से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसने करा। तो सबने कहा कि चलो जी फिर आप ही समझा दो एटम क्या होता है। तो फिर नील बोहर ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, ठीक है। तो अब हम तीसरा मॉडल ऑफ एटम देखते हैं। पहला मॉडल ऑफ एटम क्या था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जिसके दो पॉइंट थे। दूसरा मॉडल ऑफ एटम क्या था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जिसके पांच पॉइंट थे। अब अगला देखिए नील बोहर मॉडल ऑफ एटम, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो है बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो फर्स्ट है इसमें, एन एटम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, एटम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Electrons, protons and neutrons. Second point is that protons and neutrons are located in a small nucleus the protons and neutrons are located in a the protons and neutrons are located in a small nucleus at the center of the atom, at the center of the atom. ठीक है, थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली around the nucleus, electrons revolve rapidly around the nucleus in fixed circular paths called energy levels, in fixed circular paths, in fixed circular paths called energy levels, or shells.
थर्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ शेल्स, फोर्थ पॉइंट देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ लिमिट टू द there is a limit to the number of electrons, there is a limit to the number of electrons which each energy level can hold, which each energy level and hold. Which each energy level can hold. Fifth है, each energy level or shell, energy level बोल गया, shell बोल ऑर्बिट बोलो एक ही बात है, इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज एसोसिएटेड विद अ इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाँ जी, is associated with a fixed amount of energy. Sixth है, there is no change in the energy of electrons. There is no change in the There is no change in the energy of electrons as long as they keep revolving. As long as they keep revolving, there is no change in the energy of electrons as long as they keep revolving in the same energy level. Same energy level. And the atom remains stable. And the atom remains stable. ये नील बोहर का मॉडल था. नील बोहर का मॉडल अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, इसमें जो है, इसमें इन्होंने छह पॉइंट्स दिए. पहला बिल्कुल आसान है, एन एटम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसमें कुछ नया नहीं है ना, ये रदरफोर्ड ने भी यही बताया था. सेकेंड है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम. ये भी सेम है, बिल्कुल रदरफोर्ड था ना, उसने भी यही बोला था. तीसरा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स. फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स उसने बोला था कि वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसने बोला कि कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स हैं, उन्हीं में रिवॉल्व करेगा, इधर उधर कहीं रिवॉल्व नहीं करते. ठीक है, इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स. ये तीसरा पॉइंट हुआ नील बोहर का, जो थोड़ा सा नया है रदरफोर्ड के कंपेयर में. There is a limit to the number of electrons which each energy level can hold. हर एक एनर्जी लेवल में, यानी कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी एक लिमिट होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. पहले में दो आएंगे, दूसरे में आठ आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम. तो उसने, इसने नील बोहर ने सबसे पहले बताया कि उसकी एक लिमिट होती है कि कितने, कौन से एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम. अगला है, each energy level or shell is associated with a fixed amount of energy. हर एक energy level में और हर एक shell में ये पता होता है
कि भाई इसकी इतनी ही एनर्जी है, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं है इस एनर्जी लेवल में, मतलब यहाँ पर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स में भी उतनी ही एनर्जी होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये बिल्कुल नए पॉइंट्स हैं जो नील बोर ने बताया। छठा पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल एंड दैट ऑफ द मेन सिस्टम। ये स्टेबिलिटी वाला ही कांसेप्ट है कि जब तक वो एक सेम एनर्जी लेवल यानी कि सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, एनर्जी उसकी सेम ही रहेगी जैसी पहले थी वैसी ही अब रहेगी। बताइए जी सभी को क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद आगे इसमें एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और उसके बाद वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। ठीक है जी, बस जी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी आगे का।